वन वेलकम टू आर एस 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 अगरवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माई नेम एस तनवी अग्रवाल एंड आई एल बी टीचिंग यू जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास सिक्स इंग्लिश लैंग्वेज जो पैसेजेस मैं आपको करवाऊंगी वो रेडियन बुक कंपनी की इन दोनों बुक्स में से लिए गए हैं मेरे राइट साइड वाली इंग्लिश में है और ये सेम बुक है हिंदी लैंग्वेज में इनका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास सिक्स आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं एमेजोन फ्लिपकार्ट से ये वहाँ पर अवेलेबल है so this is passage 9 from that book. let's uh, read. Uh, this is passage 9 from that book. let's read it. life in a big city is full of adventures. A bade shahri zindigi is full of adventures. people in these cities enjoy facilities like better jobs, facilities of higher education, medical facilities, and many other opportunities that improve quality of life. Uh, शहरों में रहने वाले लोग कई सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं जैसे बेटर जॉब्स क्योंकि उनसे उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है फैसिलिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि बड़े बड़े स्कूल्स जहाँ पे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ की मेडिकल शहरों की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे हर uh, आपकी बीमारी का इलाज होता है एंड मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज दैट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत सारी और बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जिनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होती है दे ऑल्सो हैव हाई राइज बिल्डिंग्स वाइड रोड्स मूवी थिएटर्स एंड क्लब्स शहरों की बिल्डिंग्स बहुत ऊंची-ऊंची होती बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं शहरों में वाइड रोड्स होती हैं जैसे आपके हाईवेज़ मूवी थिएटर्स और क्लब्स क्लब्स जहाँ पे आप रात को पार्टी करने जाते हैं लाइफ इन अ सिटी इज़ वेरी फास्ट शहर की लाइफ इज़ वेरी फास्ट बहुत फास्ट होती है शहर की लाइफ ऑल दीज फैक्टर्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड एंड विलेज टू सेटल इन बिग सिटीज़ यही सारी जो फैसिलिटीज़ हैं यही सारे जो फैक्टर्स हैं वो विलेज के लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो शहर में आकर सेटल हों कंट्री साइड और विलेज इज़ वन एंड द सेम थिंग कंट्री साइड मतलब गाँव बट बिग सिटीज़ ऑल्सो हैव अ डार्कर साइड इन सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी बिग सिटीज़ की एक डार्क साइड होती है कि डार्क साइड है द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन इन सिटीज लिव इन डर्टी स्लम्स और इवन ऑन रोड साइड्स जो फाइनेंशियली वीकर सैक्शन होते हैं यानी कि जो पुअर लोग होते हैं वो इन शहरों में डर्टी स्लम्स में रहते हैं और रोड साइड्स पर भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे शहरों में जो घर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं तो जो पुअर लोग होते हैं उन्हें स्लम्ब में रहना पड़ता है रोड्स पे रहना पड़ता है फॉर द पुअर अ बिग सिटी इज़ अ हेल्थ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज तो इन फैसिलिटीज़ के बावजूद भी पुअर लोगों के लिए ये शहर एक हेल के समान है there इज़ एवरी मीन ऑफ comfort बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड फ्रेश एयर एज मोस्ट बिग सिटीज़ हैव polluted एयर बिकॉज ऑफ द traffic एंड फैक्ट्रीज इन them इन um, सारी फैसिलिटीज़ के अलावा पुअर हो या रिच हो उन्हें सारे कंफर्ट अवेलेबल हैं पर फ्रेश एयर मतलब ठंडी और फ्रेश एयर हवा अवेलेबल नहीं होती क्योंकि शहरों का ट्रैफिक और फैक्ट्रीज बहुत होने की वजह से यहाँ पे एयर जो है बहुत पल्यूट हो गई है नहीं। तो अच्छी हवा पाने के लिए आपको विलेज ही जाना पड़ेगा मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। वॉट अट्रैक्ट्स पीपल टू बिग सिटीज स्लम्स लाउड नॉइज डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक मेडिकल एंड एजुकेशन या ट्रैफिक जैम्स तो आप लोगों को शहर में क्या शहर में रहने के लिए क्या अट्रैक्ट करता है स्लम्ब्स तेज नॉइज या मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर ट्रैफिक जैम्स तो डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक मेडिकल एंड एजुकेशन अट्रैक्ट टू लिव इन बिग सिटीज विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है मतलब चांस कुछ अच्छा करने के लिए तो चांस यहाँ पे इसका सिनेिम हो गया पॉसिबिलिटी अगेन सिनेिम ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस फॉर्च्यून का मतलब कुछ गलत हो जाना तो यहाँ पे ये इसका ऑपोजिट होता है अपॉर्चुनिटीज का ऑपोजिट इज मिस फॉर्च्यून ओकेजन का भी मतलब ऑपरचुनिटीज ही होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बिग सिटी लाइफ इनमें से कौन सी बिग सिटी लाइफ की एडवांटेज नहीं है फैसिलिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज एन दैट इज एन एडवांटेज ऑफ ऑफ़ बिग सिटी लाइफ मेडिकल फैसिलिटीज़ अगेन एन एडवांटेज ऑफ बिग सिटी लाइफ मूवी थिएटर्स एन एडवांटेज ऑफ बिग सिटी लाइफ पीपल लिविंग एट रोड साइड लोगों का सड़क पर रहना इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बिग सिटी लाइफ दिस विल बी द आंसर कंप्लीट द सेंटेंस लाइफ इन सिटी इज हमने पैसेज में पढ़ा था कि लाइफ इन अ सिटी इज़ वेरी फास्ट तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए वेरी फास्ट वॉट इज़ हार्ड टू फाइंड इन अ बिग सिटी बिग सिटी में क्या मिलना बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स स्कूल्स क्लीन एयर या एंटरटेनमेंट क्लीन एयर मिलना बिग सिटी में बहुत मुश्किल है क्योंकि एयर पल्यूट हो गई है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज So, that is all for today. Thank you everyone for watching this video. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.